कि किसी भी मैग्नेट या किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे इनका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा मैग्नेट या कोई दूसरा करंट कैरिंग वायर लेके आते हैं तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि, कि किसी भी मैग्नेट या किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे कोई दूसरा मैग्नेट या कोई दूसरा करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फोर्स को फील करता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है लेकिन अगर हम किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को ग्राफिकली या डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये हम कैसे करेंगे तो किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को ग्राफिकली या डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का एक कॉन्सेप्ट दिया अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे इमेजिनरी कर्व होते हैं जिनकी किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है फॉर एक्जाम्पल अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करना चाहें तो इसके लिए हमें इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर इस पॉइंट पी के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा यहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लौंग इस पॉइंट पी के ऊपर इस टेंजेंट की जो भी डायरेक्शन होगी वो इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली दो टाइप का होता है इसमें से पहला टाइप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अब जैसा कि इसका नाम है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में हर जगह कॉन्स्टेंट हो किसी भी रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्वल डिस्टेंस पे, पे पैरल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये यह जो डायग्राम है ये इस प्लेन के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए हम क्रॉस या डॉट के सिंबल्स यूज़ करेंगे अगर हम इक्वल डिस्टेंस पे क्रॉस ड्रॉ करते हैं तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हम इक्वल डिस्टेंस पे डॉट्स ड्रॉ करते हैं तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमको याद रखना है कि इन लाइन्स क्रॉस या डॉट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए सेकेंड टाइप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अब जैसा कि इसका नाम है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट्यूड या डायरेक्शन में टाइम या डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा हो इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रही है तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वो उस रीजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं और जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वो उस रीजन में वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं तो चलिए अब हम मैग्नेटिक फील्ड फील्डलाइंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा क्लोज कंटिन्यूस लूप्स की फॉर्म में होती है किसी भी मैग्नेट या किसी भी करंट कैरिंग सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है और मैग्नेट या सोलोनोइट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्लोज कंटिन्यूस लूप्स की फॉर्म में होंगी मैग्नेट या सोलोनोइट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी और मैग्नेट या सोलोनोइ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज कंटिन्यूस लूप बनाएंगी किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है अगर किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड फील्डलाइंस दूर दूर हैं तो वो एक वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास पास है यानी कि इनकी डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो वो उस रीजन में स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं साथ ही किसी भी रीजन में यूनिट एरिया से टोटल जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास होती हैं वो उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू मैग्नेट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड जब भी हम किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ कर रहे हो तो हमें याद रखना है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं अब इसका रीजन क्या है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि इनके ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है अब अगर मैं इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड फील्डलाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के लिए टेंजेंट्स की दो अलग अलग डायरेक्शन होंगी यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई जो कि पॉसिबल नहीं है इसलिए हम कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हुए रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहे हो तो हमें कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए नहीं दिखाना है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो किसी भी मैग्नेटाइज बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से कंपेयर करूँ तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो हमेशा चार्ज कंडक्टर की सरफेस से स्टार्ट होती हैं और चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं इसके अपोजिट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो एक मैग्नेटाइज बॉडी के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बीच में एक बेसिक डिफरेंस हो गया साथ ही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो हमेशा क्लोज कंटिन्यूस कर होते हैं यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो हमेशा क्लोज लूप की फॉर्म में आपको दिखाई देती हैं इसके अपोजिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं लेकिन ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच में एक बेसिक डिफरेंस हो गया तो गाइज इस वीडियो में हमने मैग्नेटिक फील्ड फील्डलाइंस और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी किया हमने सीखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो ऐसे इमेजिनरी कर होते हैं जिनके किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती हैं और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती हैं साथ ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कंटिन्यूस कर होते हैं जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहे हो तो हमें याद रखना है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है साथ ही किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो डेंसिटी है वो उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वो उस रीजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वो उस रीजन में वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है तो गाइज आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर